जनता दरबार में क्यों भड़के सीएम योगी, कुशीनगर प्रशासन को लगाई फटकार, अधिकारियों के फूले हाथ पांव। बाहर निकलते ही बोने कद की महिला ने योगी का किया शुक्रिया अदा, फिर योगी ने दिखाया बड़ा दिल, खुशी खुशी घर लौटी महिला। दरअसल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दरबार लगाया था। यहां उन्होंने फरियादियों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को जल्द निस्तारण कराने के निर्देश दिए, लेकिन इस दौरान फरियादियों की सर्वाधिक संख्या कुशीनगर जिले के लोगों की पाकर सीएम योगी गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने वहां मौजूद एडीजी व डीआईजी से कुशीनगर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को आगाह करने का निर्देश देते हुए कहा, लगता है कि कुशीनगर पुलिस प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा, ये स्थिति ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी कुशीनगर की समस्याएं बड़ी संख्या में आती रही हैं। समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान सुनिश्चित नहीं हुआ तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि जनता दरबार में सीएम योगी ने 300 से ज्यादा लोगों की समस्याएं सुनी। इनमें ज्यादातर जमीन विवाद और थानों से जुड़ी समस्याएं रही। सुबह पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में आयोजित जनता दरबार में पहुंचे थे। यहां उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि समस्याओं के निराकरण में देरी ना हो, समय का ध्यान रखने के साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाए कि फरियादी निस्तारण की कार्रवाई से संतुष्ट हो। जनता दरबार में जमीन विवाद और थाने से जुड़े सर्वाधिक मामले आने पर मुख्यमंत्री ने चिंता जताई और कहा कि कहीं न कहीं थाने और तहसील स्तर पर इसे लेकर लापरवाही हो रही है। समस्याओं के समाधान की उम्मीद लेकर मंदिर पहुंचे लोगों के पास सीएम योगी खुद बारी बारी पहुंचे, सभी की शिकायतें सुनी और जल्द निस्तारण का आश्वासन दिया। जनता दरबार में कई लोग अपनों के गंभीर इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर पहुंचे थे। सीएम योगी ने सभी को आश्वस्त करते हुए कहा कि सरकार हर जरूरतमंद और गरीब के साथ खड़ी है। उन्होंने ऐसे सभी फरियादियों के प्रार्थना पत्र पर संबंधित जिले के प्रशासन को जल्द रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया और कहा कि समय से एस्टिमेट बनाकर शासन को उपलब्ध कराया जाए ताकि किसी के इलाज में देरी ना हो। कई महिलाएं जमीन की शिकायत लेकर पहुंची थी, जिस पर सीएम ने कहा कि जमीन कब्जा करने वालों को कड़ा सबक सिखाया जाएगा। उन्होंने पुलिस को जांच कर कार्रवाई के भी निर्देश दिए। वहीं सीएम योगी जब जनता दरबार लगाने के बाद बाहर निकले तो एक बोने कद की महिला पहुंची और उसने सीएम योगी के साथ फोटो खिंचवाने की अपील की। इस महिला का नाम है उषा। कुछ दिन पहले वो जनता दरबार में आई थी, उसने पक्के मकान की अर्जी दी थी और अब उसका मकान बन चुका है। जैसे ही सीएम योगी के सामने उषा पहुंची तो कहने लगी कि धन्य हो महाराज जी, आपकी कृपा से हमारा मकान बन गया, नहीं तो हमारी पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाती, लेकिन आपने हमारे जैसे ना जाने कितने लोगों के पक्के मकान बनाकर उन्हें मालिक बना दिया। बोनेकद की महिला उषा गोला क्षेत्र के ग्राम बरहल निवासी है। सीएम योगी के साथ उषा ने फोटो खिंचवाई। जनता दर्शन के बाहर सीएम योगी से मिलकर उषा ने कहा कि उन्हें सरकारी योजना से आवास मिल गया है और इसके लिए वो धन्यवाद देने आई है। उषा ने सीएम योगी के साथ फोटो खिंचवाने का भी आग्रह किया और सीएम योगी भी उसे अस्वीकार नहीं कर सके और मुस्कुराते हुए उन्होंने भी तस्वीर खिंचवा ली। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है, तो आप भी इस तस्वीर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।